कितनी अलग अलग आइसक्रीम्स हैं, देखो। हे रुको, तुम्हारे डाइटिंग के प्लान का क्या हुआ उबेद? तुमने सही कहा, इसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरह से हेल्दी खाना खा रहा हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे देख भी नहीं सकता या उसके सपने भी नहीं देख सकता। हेलो दोस्तों। हेलो शमा। गेस करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा? तुमने उबेद को आइसक्रीम शॉप की खिड़की चाटते हुए देखा है ना? नहीं, मैं बस थिएटर से लौट रही हूँ और मैंने रोबो ड्रैगन देखी, वो भी 3D में। इसे क्या हो गया? कुछ भी नहीं, ये बस बहुत एक्साइटेड है रोबो ड्रैगन के लिए, उसे देखने के लिए तड़प रहा है। सच में बहुत बहुत एक्साइटेड। पर हम अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि किसी का तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। और हमने फैसला किया था कि हम सब वो फिल्म साथ में देखेंगे। बेचारा सालिम, उसे रुकना पड़ेगा, वो भी 3 घंटे, तब जाकर वो फिल्म देख पाएगा। 3 घंटे पूरे, मुझे उसे अभी देखना है। मैं तो चली शॉपिंग करने। मैं जानती हूँ तुम्हें वो फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, यकीन मानो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इंतजार का फल जरूर मिलेगा। बाय 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 शम्मा, बाद में मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने हमसे पहले फिल्म देख ली। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख ही लोगे सालिम। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख लोगे। ठीक है, अब चलता हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय। कितनी देर रुकना होगा? और 1 घंटा। मंसूर, हम वो फिल्म इसी वक्त देख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं होगा। और उबेद? नहीं, अब चलो भी, हमने साथ में मूवी देखने का फैसला किया था। चलो ना मंसूर, चलकर अभी देख लेते हैं प्लीज। नहीं मतलब नहीं होता है सालिम, वादा वादा होता है। पर मंसूर, मुझे रोबो ड्रैगन देखनी है इस वक्त। देखो, उन सब ने वो फिल्म देख ली है मंसूर, मैं मिस नहीं कर सकता। हाँ सालिम, देखो। उबेर, धोखे बाज चीटर। उसने हमारे बिना फिल्म देख भी ली। वो तो तुम्हें चाहते थे, उसके बिना फिल्म देखना चाहते थे। हाँ, चाहने और देखने में फर्क होता है, और उसने तो देख भी लिया। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं वो क्या सफाई देता है। हेलो उबेद। हाय शम्मा। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? उन्होंने मेरे दांत से कीड़े निकाले और फिलिंग डाल दी, तो मैं 1 घंटे तक कुछ नहीं खा सकता। बड़े दुख की बात है, पर हे, इसकी अच्छी बात ये है कि अब तुम फिल्म देख सकते हो। अरे तुम यहाँ मिलोगे सोचा नहीं था। तुम कैसे हो? सब कैसे हैं? क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? बहुत मजा किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गया, तो क्या तुम तैयार हो फिल्म दोबारा देखने के लिए? दोबारा देखने के लिए? झूठे, तुम्हारे बलून्स कहाँ गए? और आइसक्रीम का क्या, तुम अकेले खा गए? मंसूर, इसे क्या हुआ? हमने सब देख लिया उबेद। क्या देखा? हमने तुम्हें निकलते देखा है, वो भी एक बड़े से रोबो ड्रैगन के बलून के साथ। तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम भी थी। हाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं गया और ना ही मैंने कुछ खाया। मैं तो अभी अभी डॉक्टर के यहाँ से आया हूँ। देखो, मेरे दांत में फिलिंग है, फिलिंग। मना मत करो उबेद। ये दोनों मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं जब मैं सच कह रहा हूँ? घबराओ मत उबेद, मुझे तुम पर यकीन है। वो रहा सबूत, देखो। वो मेरे जैसे दिखता है, मैं उसके जैसे दिखता हूँ, मतलब हम दोनों एक जैसे। मेरे ख्याल से उन दोनों ने उसे थिएटर से निकलते वक्त देखा होगा और उन्हें लगा कि तुम हो। हाँ,
तुम सही हो। सुनो दोस्तों, रुक जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। परेशानी के लिए माफी चाहूंगी, पर मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? मेरा नाम उबेद है। हेलो उबेद, और मैं हूँ उमर। उमर, हम अपने दोस्तों से मजाक करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी, क्या कहते हो? अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों से ना कुछ बात करनी है। ठीक है गाइस, तुम दोनों ने उबेद पर उसकी डाइट से चीट करने का इल्जाम लगाया है, तो तुम दोनों को ये दिखाने के लिए कि वो हेल्दी हो गया है और वो बेहतर हो रहा है, उबेद तुम्हें एक रेस के लिए चैलेंज करना चाहता है। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेस लगाएंगे मॉल की एक तरफ से दूसरी तरफ तक। पर उबेद, तुम तो जानते ही हो कि कौन जीतेगा। रेस लगाओ, देख लेंगे। उबेद, अगर तुम मॉल की एक तरफ से दूसरी तरफ हमसे पहले पहुंच गए तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दिलवाऊंगा। ठीक है, पर याद रखना, क्योंकि मैं लार्ज वाला लूंगा। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है फिर, तुम इस तरफ से जाओ और उबेद तुम इस तरफ से जाओगे, ठीक है? जो सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा, वो रेस जीत जाएगा। ये तो मक्खन होने वाला है। सही कहा, ये वाला तो मक्खन ही होने वाला है। तो फिर ऑन योर मार्क्स और गेट सेट एंड गो। हम उससे आगे आ चुके हैं। और इसकी तो अभी से सांस भी चढ़ गई है। चलो सलेम, हम बस पहुंच ही चुके हैं। देखो। क्या? वो तो अभी हमारे पीछे था। ये नामुमकिन है। हेलो दोस्तों। कैसे 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 ये तुमने कैसे किया? बताओ कौन जीता? उबेद जीत गया। शाबाश उबेद। शुक्रिया। तो अब मेरे ख्याल से किसी को उबेद के लिए पॉपकॉर्न खरीदना होगा। रुको, एक और रेस हो जाए, ठीक है उबेद? और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और सैंडविच भी दिलाऊंगा। ऐसी बात है, तो जो कोई भी बिना लिफ्ट की मदद से सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा, वो जीत जाएगा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं उबेद। जानता हूँ, पर मैं ये करना चाहता हूँ, मजा आएगा। ओके, तो रेडी, गेट सेट एंड गो। मैं तो अभी से थक रहा हूँ। हार मत मानना सलेम, बढ़ते रहो, हमें उबेद को हराना होगा। चलो। मैं थक चुका हूँ। चलो। बहुत थक चुका हूँ। कोई बात नहीं, हम बस पहुँच ही गए, हम पहले पहुँचे। उबेद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बड़ी देर कर दी। ये कैसे, इसने कैसे किया? मुझे और हवा की जरूरत है, मुझे दो दो उबेद दिख रहे हैं। मैं समझाती हूँ, ये है उमर, और इसे ही तुमने थिएटर से आइसक्रीम खाते वक्त बाहर निकलते देखा था। तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए था। तुम्हें इसे माफी मांगनी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और एक सैंडविच भी खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मुझे भी माफ करना, माफ करना उबेद। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो चलकर फिल्म देखें। चलो बाय दोस्तों, मजे करना और फिल्म एंजॉय करना। क्यों, सीढ़ियों से नहीं जाओगे? तुमने बहुत अच्छा मजाक किया उमर, एक से निपटना मुश्किल था, अब दो हो गए, हद है। मासो!
अबाकडाब्रा। क्या हुआ उबेद? जादू थोड़ा डरावना है। पर ये असली थोड़ी ना है। अब क्यों ना ये इन्हें फिर पहना दूं? और अब मेरे आखिरी करिश्मे के लिए मिलवाना चाहूंगा लड़का बना खरगोश। मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए, तुम और तुम। क्या आप दोनों प्लीज इस संदूक को अच्छी तरह से देख लोगे, देख लो कि वो खाली है या नहीं? हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया बच्चों, अब प्लीज सीट पर लौट जाओ और मेरा कमाल देखो। क्या तुम इस डिब्बे में जाकर बैठ जाओगे? अब्राकडाब्रा। शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। हाँ, तुम तो मजेदार तरीके से गायब हो गए। मैं तो नीचे गिरा था, पर सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। मौका मिलते ही मैं स्कूल में मदद करने आ जाता हूँ। वैसे भी जाफार मेरा पुराना दोस्त है। मुझे वापस ऊपर जाना है। इस दरवाजे को संभाल लेंगे। बिल्कुल। हाँ, और अब मैं इस डिब्बे और इस खरगोश को गायब कर दूंगा। एक मिनट, थोड़ा पीछे हटो। अरे बेटा, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? शायद मेन गेट पर होगा, चलो देखते हैं। पकड़ लिया। हाँ, सब ठीक है ना मेरे दोस्त? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे वाह, तुम इनसे मस्ती कर रहे थे ना? हमें जाने से पहले इस जगह की सफाई करनी होगी। कोई बात नहीं, मंसूर और मैं इसे अच्छी तरह संभाल लेंगे, तुम जा सकते हो, जाओ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शो तुम्हारे बिना नहीं होता। हम बाद में मिलते हैं दोस्त। क्या किसी ने मंसूर को देखा है? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जैसे ही जादूगर ने उसे खरगोश बनाया, गायब। शायद वो जादूगर उसे वापस लड़का बनाना भूल गया। पर मुझे माफ करना, अब मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं, बाय। ओह सालिम, मैं समझ गया, शायद मंसूर सच में खरगोश बन गया है। ऐसा नहीं है, वो जादूगर सच में मंसूर को थोड़ी ना। देखो, शो कमाल का था। याद है जब मैंने शैतानी जादूगर का किरदार निभाया था और तुम मेरे चिपकू असिस्टेंट बने थे? अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना? देखो, मंसूर को खरगोश बनाकर वो दोनों कैसे खुशी से हंस रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या, कहाँ? वहाँ, उस पिंजरे में। बकवास मत करो, वो जादूगर उसे ले जा रहा है। ओबेर, भागो। ओए, वापस आओ, मुझे वो खरगोश वापस दो। कोई तो पकड़ो उन्हें। हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश लेकर भाग गए, अब मैं क्या करूं? हाँ,
कुछ भी। उबेद और सलेम कभी भी चोरी नहीं कर सकते। मैंने उन्हें देखा, वो भी अपनी आँखों से। खरगोश वापस दिलाने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। बिल्कुल, मैं करूँगा। उसे वापस लाओ। तुम क्या सोच रहे हो उबेद? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सच में मंसूर है? नहीं, मुझे यकीन है ये मंसूर ही है। देखो, लगता है सबके फोन ऑफ है। नानो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नानो, क्या तुम उड़कर उबेद और सलेम के घर जा सकते हो और देख सकते हो कि वो वहाँ है कि नहीं? ठीक है। नानो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, वो उड़ता भी है और मैंने उसे बनाया है। तुम्हारे पास उड़ने वाला एक रोबोट है? लोगों को लगता है मेरा जादू कमाल का है, पर तुमने अपनी सूद से एक उड़ने वाला रोबोट बना लिया है। उबेद, शायद हमें इसे वापस स्कूल ले जाना चाहिए। नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसे वापस मंसूर बनाने की। क्या? मंसूर, 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 ये वापस बदल क्यों नहीं रहा है? उसी से पूछो। हम जादूगर के पास चलते हैं, वही मंसूर को लौटा सकता है। मंसूर, सालेम अभी तक घर नहीं पहुंचा। शुक्रिया नानो, तो अब उबेद के घर जाओ। ठीक है। हेलो शम्मा, उबेद और सालेम को देखा? वो जादूगर के खरगोश को लेकर भाग गए। क्या? मुझे याद आ गया, जब मैंने उन्हें स्कूल से निकलते देखा तब उन्होंने मुझे एक मैजिक ट्रिक बताया, तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि वो जादूगर तुम्हें खरगोश से इंसान बनाना भूल गया। मेरे ख्याल से उबेद ने मेरी बात को सच मान लिया। नहीं, वो ये नहीं मान सकते कि मैंने तुम्हें खरगोश बना दिया। उबेद तो जरूर मानेगा। मंसूर, उबेद भी अभी तक घर नहीं पहुंचा है। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जाओ। ओए सुनो, फ्लॉपसी को तुम वापस ले आए? इसका नाम मंसूर है, इसे ठीक करो। तुम हमें जफार के पास ले जाओ ताकि वो इस खरगोश को वापस से हमारा दोस्त मंसूर बना दे। हाँ हाँ, जफार, अब खेल खत्म। मेरे पास दो लड़के हैं फ्लॉपसी को लेकर, मेरा मतलब मंसूर, मंसूर। वो चाहते हैं कि तुम इसे वापस मंसूर बना दो। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। जफार ने मान लिया, चलो तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं। प्लीज अंकल, मेरे दोस्त मंसूर को वापस लौटा दो, वो ऐसे ही नहीं रह सकता है, उसे पहले जैसा बना दीजिए ना। अब्रा कडब्रा। मंसूर, तुम लौट आए। हाय उबेद, खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? शुरू शुरू में मजा आ रहा था, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शुक्रिया, हमारा मंसूर लौटाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं इसे आइसक्रीम बना दूँ? नहीं, बस कीजिए, इसे पिघलने से पहले मंसूर बना दीजिए। अब्राकडब्रा। तुम घबराओ मत उबेद, अलग अलग चीजें बनने में भी मजा आता है, तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। ये लो। मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। ये तो हमारा पसंदीदा किस्सा बनेगा। उबेद, वो देखो तुम्हारा मंसूर। मुझे हंसी नहीं आई। आओ यहाँ आओ मंसूर, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। आओ आओ मंसूर।
पता नहीं क्यों मैं इतना घबरा रहा हूँ। मैं भी, तुम बताओ सालम। बहुत एक्साइटेड, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। मेरे लकी पत्थर ने सारी घबराहट और बुरी एनर्जी सोख ली है और मुझे बेहतर एक्टर बना दिया है। अरे बाप रे, देखो तो कितने सारे लोग आए हैं प्ले देखने के लिए। मैं सच में घबरा रहा हूँ दोस्तों, मुझसे रुका नहीं जा रहा। तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा क्या? थोड़ा सा भी नहीं? नहीं, लकी स्टोन के होते हुए मुझे किस चीज का डर? बहुत से एक्टर्स कोई ना कोई लकी चीज रखते ही हैं, तुम्हें भी रखना चाहिए। कहाँ गया? कहाँ गया? हेलो मेरे बच्चों, तुम सब कमाल के लग रहे हो, शो के लिए रेडी हो? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं सारे डायलॉग भूल गया हूँ। घबराओ मत सालम, एक बार शो शुरू हो जाएगा तो सारे डायलॉग याद आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, याद नहीं आएगा, मुझे स्टोन चाहिए। तो फिर साथ में ढूंढते हैं, आज प्ले में मजा आएगा। देखें इसके बिना ये क्या करता है। कहाँ गया, कहाँ गया, मेरा लकी स्टोन कहीं दिख क्यों नहीं रहा? कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ सालम, सुन सुन ना। पस, पस, ओए, सालम, सालम, आ कुछ दिखाऊं। ये देख। चलो बच्चों, 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी। हम परफॉर्म करते वक्त तो नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें किसी और की मदद चाहिए। पर किसकी? शम्मा प्ले देखने वाली है, चलो चलकर उससे मदद मांगते हैं। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है और मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकता। जानता हूँ, उबेद मेरे साथ चलो, जल्दी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसी हो? हाँ मंसूर, तुम यहाँ हो? तुम्हारे साथ कौन है? उबेद। हेलो उबेद। हेलो शम्मा। सालन ने लकी स्टोन खो दिया है और वो उसके बिना स्टेज पर नहीं जा सकता, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? क्या लकी स्टोन? इसका क्या मतलब? उसके पास रहता है वही स्टोन। ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतानी जादूगर हूँ और मैं आया हूँ अलादीन को ढूंढने। उसे बेवकूफ बनाकर उससे शक्तिशाली चिराग चुरा लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हो देखो आ गया। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी बारी है। मैंने कहा वो देखो आ गया, आ गया। तुमसे मिलकर खुशी हुई अलादीन, मैं तुम्हारे दूर का चाचा हूँ। मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं करोगे पर यही सच है। मैं नहीं जानता था मेरे चाचा है। तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं, एक बार भी नहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कमाल की चीज दिखाता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है इस प्ले में, ये बहुत ही लाजवाब प्ले है। अरे पहले शुरू तो होने दो। मुझे मेरी लाइन याद ही नहीं है। घबराओ मत, मैंने इस पर तुम्हारी सारी लाइनें लिख दी है, मैं इसे तुम्हारे आगे ही रखूंगा, तुम इसमें से पढ़ते रहना। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा मैं सालम का स्टोन कहां ढूंढूं। आइडिया, ये बढ़िया आइडिया है शमा। तो मेरे भतीजे, बताओ मुझे तुम्हें इस शहर के नजारे कैसे लगे? पर तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है, चलो इससे भी बेहतर नजारे देखते हैं। क्या दिखाना चाहते हो अंकल? मैं दिखाता हूँ पर पहले चलो आग जला ले। अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा खजाना दिखाऊंगा जिससे तुम सबसे रईस सुल्तान बन जाओगे।
पकड़ो मेरी मशाल को। अब नीचे जाकर मेरे लिए चिराग ले आओ। हाँ? बहुत शुक्रिया शम्मा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने शो बचा लिया। शाबाश बच्चों। वैसे प्ले की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी थी, पर ऑडियंस को ये भी पसंद आया। सालिम, 2 मिनट बात कर सकते हैं? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस थोड़ा शांत हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत सालिम, देखो तुम्हारे सारे डायलॉग्स मैंने अपने आप पर चिपका लिए हैं, जब मैं स्टेज पर जाऊंगा वहीं पढ़ लेना। ठीक है, सब अपनी जगह पर जाओ, एक्ट शुरू होने वाला है। जितना खजाना लेना है ले लो, बस मुझे वो चिराग मिलना चाहिए। मैं हूँ इस चिराग का जीनी। हुकुम है मेरे आका। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इस शौर्मा से। आपका कहने का मतलब ये है कि आप इस गुफा से निकलकर घर जाकर शौर्मा खाएंगे? अगर आप यही चाहते हैं तो आपका हुक्म सराकों पर। ये लीजिए, घर आ गए। अब आप मुझे बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए मेरे आका। मैं चाहता हूँ तुम मेरा घर भर दो कूड़े से। आप कहना चाहते हैं कि मैं आपका घर भर दूं और ये सारा कूड़ा गायब कर दूं खजाने से? अब मैं तुम्हें खजाना देता हूँ अलादीन, ये लो बेशकीमती पत्थर, ले लो, उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएगा, इसे तुम रख लो। शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस खजाने के लिए जीनी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सफेद सा घोड़ा ला दो, क्योंकि मैं सुल्तान के महल जाकर उनकी बेटी प्रिंसेस जैस्मीन का हाथ मांगने वाला हूँ। जब वो नीचे आए इसे खींच कर उन्हें वापस वहाँ पहुँचा देना। चलो करो। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। हमारी कहानी खत्म, और अब हम शुक्रिया कहना चाहेंगे आप सबको यहाँ आने के लिए। उम्मीद है कि हम फिर जल्द मिलेंगे। शाबाश बच्चों, ये सच में बढ़िया परफॉर्मेंस थी। टेस्टी है। तुमने क्या कर दिया? दरअसल ये एक मीठा बादाम है। शुरू में मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हारा स्टोन कहाँ ढूंढूं। मैंने कोशिश की पर फिर मुझे याद आया कि मेरे बैग में कुछ मीठे बादाम रखे हुए हैं। शायद मुझे उस पत्थर की कभी जरूरत थी नहीं, हो सकता है वो लकी था ही नहीं। तुमने सही कहा, तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं, बस हुनर और मेहनत चाहिए। शम्मा, तुम्हारे बैग में अभी मीठे बादाम है? नहीं सॉरी उबेद, वो तो खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। और मेरे लकी पत्थर। मुझे नहीं लगता इस पत्थर का लक्ष्य को लेना देना है। तुमने सही कहा। मासू।
ठीक है, मैं रेडी हूँ शूट के लिए। आप रेडी है? हाँ बिल्कुल। सालम, उबेद, रेडी हो? हाँ हम रेडी हैं। ओके, साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन वन, टेक वन, एक्शन। चलिए जानते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। कमाल का आइडिया है, यहाँ रखे इन लिक्विड्स को देखिए, ये बह सकते हैं या डाले जा सकते हैं। पर इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं है। नहीं, बल्कि ये नामुमकिन है। सॉलिड्स अपना आकार पकड़े रहते हैं, वो लिक्विड्स की तरह बहते नहीं, वो अपने शेप पर अड़े रहते हैं। सही कहा। और वो देखो, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है। और एक लिक्विड को ठंडा करने पर वो लिक्विड सॉलिड बन जाता है। साइंस मजेदार और कमाल। बिल्कुल मेरे दोस्तों बे। कट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों, हमारा साइंस प्रोजेक्ट रेडी है। हाँ, ये क्या है? इसे एक्टिंग कहते हैं। नहीं नहीं, मतलब इससे था। ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, पर वो किसी से तो छिप रही है। ये पहली तो सुलझानी ही पड़ेगी। तुमने सही कहा मेरे दोस्त मंसूर। किस्सा रहस्यमय कजिन का। हाँ? हाँ? हमें हमारा गुनेगार मिल गया, देखो। चलो उसके पीछे चले। वहाँ। उस तरफ कोई सबूत है? एक भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम क्या कर रही हो? हाँ, सुनो, मुझे जाना है, बाद में मिलेंगे। ये मामला तो उलझते ही जा रहा है। किस्सा रहस्यमय कजन का और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। चलो देखते हैं वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने हमें देख लिया है। जल्दी यहाँ अंदर चलो। अब तो हमें पहचान नहीं पाएगी, है ना? उस पैकेट में क्या है? जरूर एक फोटो फ्रेम है। वो किससे बात कर रही है? वो शायद किसी बड़े मास्टरमाइंड से बात कर रही है। हाँ, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ओ देखो, वो आ गए, वो आ गए। ये तो तुम्हारे अंकल आंटी हैं। क्या यही है वो जिनसे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, पर अब हमें पता लगाना ही होगा। क्या लगता है उस बॉक्स में क्या होगा? शायद बड़ी सी कटी नोटों की या गहने होंगे। माफ करना। सॉरी, अब मुझे जाना होगा। मिले सबूतों से क्या लगता है आपको डॉक्टर उबेद? मेरे ख्याल से हमारे मुजरिमों ने गाड़ी गेट के पास लगाई है ताकि वो जल्दी से जल्दी भाग सके। तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है शमा वहाँ क्या कर रही है? शायद वो सबसे महंगी, सबसे नायाब आर्ट चुराने वाली है। तो चलो हम जाके उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। हाँ, कहाँ गई वो? वहाँ। ओह, बच निकली। वो सबसे शातिर मुजरिम है।
घबराओ मत, उसे ढूंढ लेंगे। चलो जासूस दोस्तों, इस तरफ चलते हैं। हाँ? ये क्या? शायद फायर अलार्म चेक कर रहे होंगे या शायद चोरी हो रही है मंसूर। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम सही कह रहे हो, हम तो बस मस्ती कर रहे थे। शम्मा आर्ट गैलरी से थोड़ी ना एक पेंटिंग चुराएगी, क्यों है ना? सुनो दोस्तों, आके देखो तो। नानो, क्या तुम इस फोटो को पहचानोगे प्लीज? पहचान लूंगा मंसूर, ये तो दी मॉर्निंग सनराइज है, एक बेशकीमती पेंटिंग जो इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम में डिस्प्ले पर है, जो कि अभी इस वक्त सिटी आर्ट म्यूजियम से चुराई जा रही है। शुक्रिया नानो। सुनो, मुझे यकीन नहीं कि शम्मा पेंटिंग चुराएगी, तो चलो आज असली जासूसी करें। अगर वो पेंटिंग अभी यही है तो शम्मा चोर नहीं हो सकती। सही है, चलो पता लगाते हैं। इसके हिसाब से द मॉर्निंग सनराइज पेंटिंग यहाँ होनी चाहिए, है ना दोस्तों? ये कैसे हो गया? सच में उसने ले ली? मुझे यकीन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों ये तो सच में गड़बड़ हो गई। ओह, ये नामुमकिन है। पर सबूतों को देखे तो वो तुम्हारे गार्डन में अजीब बर्ताव कर रही थी और मॉल में भी बड़ी अजीब लग रही थी, और यहाँ के अलार्म बजने लगे, और निकलते वक्त उसके हाथ में पेंटिंग भी थी, और वो पेंटिंग अब यहाँ नहीं है। नहीं, इसके पीछे कोई तो बात जरूर होगी, है ना? तुम्हारी कजिन और उसकी पूरी फैमिली चोर है, हमें पुलिस को बताना होगा। नहीं, मुझे उससे बात करनी है। हेलो, हे शम्मा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम बताओ? हाँ, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। बढ़िया। सुनो, तुम्हें मॉल में देखकर अच्छा लगा। थोड़ी जल्दी में थी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम आज जल्दी में थी। हाँ सॉरी। बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैं अभी घर पहुँची। अभी घर पहुँची हो? घर पर मिलकर बात करें। ठीक है ठीक है। हाँ, अब बाद में घर पर खाने के वक्त मिलता है। बाय। ठीक है, घर पर मिलता है शम्मा। मुझे यकीन नहीं होता, शम्मा ने एक बेशकीमती मास्टरपीस म्यूजियम से चुराया है, और वो उसे चिंदी से गोल्डन फ्रेम में लगाने वाली है जो उसने गंदे वाले मॉल से ली थी। रुको, क्या वो तुम्हारे घर आने वाली है खाने पर? हाँ। तो तुम क्या करोगे? मेरे ख्याल से मुझे उनसे बात करनी है, तुम दोनों भी चलो। बच्चों आओ बैठो। मंसूर, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन यहाँ नहीं रहूंगी। पर सुनो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। शुक्रिया। मैंने सबको दिखा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी तो पूरी फैमिली इसमें शामिल है मंसूर। इसे ढूंढना आसान नहीं था, मैंने मॉल में ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे कहीं और से इसे लाना पड़ा। एनीवे, हैप्पी बर्थडे मंसूर। तुम इसे दिखाना नहीं चाहोगे, इसे सिर्फ अपने तक ही रखना। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। हाँ? क्या? तुम तीनों दुनिया के सबसे बेकार जासूस हो। मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, ठीक है? मैं मॉल गई थी तुम्हारे लिए ये फ्रेम लाने जो तुम्हारे हाथ में है, और मैं आर्ट म्यूजियम गई तुम्हारे लिए द मॉर्निंग सनराइज के इस प्रिंट को लाने के लिए। पर मैंने तुम्हें उस बेवकूफ सी दाढ़ी में भागते हुए देख लिया था। मुझे लगा तुमने हमें देखा ही नहीं, मैं तो तुम्हें अनदेखा कर रही थी। पर आज सुबह गार्डन में जो हुआ उसका क्या? तुम रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बीच में जाना नहीं चाहती थी। और अलार्म्स का क्या? लापता पेंटिंग का क्या? पेंटिंग को तो साफ करने के लिए निकाला था, पर उनसे गलती से अलार्म ट्रिगर हो गया, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं चल रही थी। ये न्यूज अखबारों के पहले पेज पर आई थी। माफ करना शम्मा, सच में सोचा कि सबूत सारे वैलिड थे। सबूत कुछ ज्यादा ही वैलिड थे कि तुम तीनों पागल हो। क्या कोई मुझे समझाएगा कि पैसों से भरे बॉक्स का और गहनों का क्या हुआ?
तुम्हें गलत फहमी हो गई। अब क्या कहना चाहोगे? केक कौन खाना चाहेगा? घबराओ मत ओबेद, मेरे डैड पायलट है, हम सब बिल्कुल सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। खराब मौसम से हम गुजर रहे हैं, प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखें, आप सेफ रहेंगे। सुना तुमने, मैंने कहा ना सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। मौसम के और खराब हो जाने की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। वाओ, उस तूफान में क्या लैंडिंग किया आपने? शुक्रिया, उम्मीद है ज्यादा घबराई नहीं होगी। नहीं, प्लेन को रिपेयर होने में कुछ घंटे लगने वाले हैं, तो बच्चों तब तक तुम आइलैंड घुमाओ, पर सुनो ज्यादा दूर मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे। शुक्रिया पापा, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ? वाओ, देखो दोस्तों, वहां पर जाकर झूला झूलते हैं। पहले तुम जाओ। तुम करो सालम। तुम्हारी बारी ओबेद। नहीं नहीं, शुक्रिया। चलो भी ओबेद, डरो मत, तुम्हें बहुत मजा आएगा, ट्राई तो करो, अब आप ही जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर तुम झूलोगे नहीं तो तुम्हें तैरना पड़ेगा। हाँ? चलो बेड साफ होकर आते हैं। ठीक है। ये फनी नहीं है। जानता हूँ, बिल्कुल फनी नहीं है। पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे तुम्हारे साथ ही होते हैं। नहीं, ऐसा दोस्तों, जल्दी आओ, तुम्हें ये देखना चाहिए। ओबेद, मस्ती मत करो। मस्ती नहीं कर रहा, पर यहाँ का नजारा कमाल है। चलो देखो तो सही। तुम ठीक हो नानो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंसूर, चिंता मत करो।
तुम्हें क्या लगता है ये गुफा कहाँ तक जाएगी? क्या पता, पता लगाने का एक ही तरीका है, हमें खुद जाकर ढूंढना होगा। ये अच्छा आइडिया है, चलो हम तुम्हारे पीछे हैं। अरे वाह, देखो देखो। दोस्तों एक खुफिया मंदिर। वाह, इस मंदिर के अंदर क्या क्या होगा तो पता करें। तुम्हारे बाद, पहले तुम जाओ। वाह, यकीन नहीं होता, यहाँ नीचे इतना सारा खजाना है। जल्दी छुपो छुपो। ठीक है, ये लोग कौन है? चलो जल्दी करो, हमें जाकर बाकी भी लाना है। मेरे ख्याल से ये लोग चोर है। ये वहाँ से सब कुछ चुरा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, ये लोग गलत कर रहे हैं। पर हम इन्हें रोकेंगे कैसे? चलो मेरी मदद करो। उन्हें लगेगा ये मंदिर श्रापित है। काम नहीं बना। मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर हम वापस ही चले जाएं। क्या कहते हो? नहीं उबेद, हम नहीं जा सकते, वो चोर मंदिर का सारा खजाना लेकर भाग जाएंगे। अच्छा तो हम क्या करें? हाँ? तुम क्या कर रहे हो? यकीन है इससे वो डर जाएंगे। ओह, देखा तुमने, प्राचीन कीड़ा। सही कहा, ये तो बहुत शानदार होते हैं। यहाँ बैठो। हाँ? इससे भी काम नहीं बना, अब हम उन्हें कैसे रोकेंगे? नानो और इन मशालों से और बहुत सारी मिट्टी से। मिट्टी? हाँ, भरोसा करो। क्या? ये क्या था? इस मंदिर में आने की किसकी हिम्मत हुई? ये सामान तुम्हारा नहीं है, इसे ले जाने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। सबने कमाल कर दिया, हमने मंदिर का खजाना बचा लिया। और ये चोर यहाँ वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे। अच्छा अब हम प्लेन पर लौट सकते हैं, पहले साफ हो जाते हैं। मुझे जल्द से जल्द पापा को सब कुछ बताना है। तुम आ गए बच्चों, शुक्र है तुम सब सुरक्षित लौट आए। क्यों, क्या हुआ पापा? ये आर्कियोलॉजिस्ट है। क्या, आर्कियोलॉजिस्ट? हाँ बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम आई है उनके साथ बुरा हादसा हुआ है। हाँ? अच्छा। हाँ, ये यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर गए थे। हमें लगता था कि वो एक कहानी है, पर ये तो सच निकली जैसा कहा गया था। हाँ, मंदिर में बहुत से खूबसूरत एंटीक्स थे जिन्हें म्यूजियम में होना चाहिए। हमारे पास लाइसेंस है जो इन्हें ले जाने की इजाज़त देता है, एजुकेशन की खातिर। पर पता चला कि वो मंदिर सच में शापित है,
हमने वहाँ अजीब से जीव देखे, वो भी तीन, एक उड़ने वाला छोटा जीव भी था। तीन अजीब से जीव, साथ में उड़ने वाला भी। बोलो बच्चों, क्या बोलना चाहोगे? जरा सी गलत फहमी हो गई है। एक बात कहूँ तुमसे, मैंने तुम तीनों जितने बहादुर आज तक नहीं देखे। शुक्रिया, आपको डराने के लिए माफी चाहते हैं। सोचो, मंदिर की मूर्तियाँ म्यूजियम इसलिए नहीं पहुँच पाई क्योंकि तीन बच्चे डरावने भूत बनकर ड्रामा कर रहे थे। बच्चों, वक्त हो गया है टेस्ट का। पर घबराओ मत, ये मजेदार टेस्ट होने वाला है, बल्कि एक तरह से क्विज शो भी मान सकते हैं। मुझे दो कंटेस्टेंट चाहिए। ओ? मैं चुनता हूँ सालेम और तारिक को। तालियां। मैं तीन सवाल पूछूंगा, ठीक है बच्चों? सब्जेक्ट है द ग्रेट लेपर्ड। तैयार हो? हम तैयार हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, जब तेंदुए शिकार करते हैं क्या वो झुंड में होते हैं? बिल्कुल नहीं, तेंदुए अकेले रहने वाले जानवर हैं। सालम बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, क्या वो कहीं भी चढ़ते हैं? नहीं। हाँ, तेंदुए कहीं भी चढ़ने में माहिर है। तुम्हारा जवाब सही है सालम। नेक्स्ट, क्या ये तेंदुए दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, तेंदुओं को रात में शिकार करना पसंद है। सही, और हमारे इस खेल के विजेता है सालेम। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत अच्छे सालेम, तुम तेंदुए के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, पर मैं उनसे बहुत डरता हूँ, उनके बड़े बड़े पंजे और नुकीले से दांतों से। सालेम का क्या करना है मुझे पता है। सालेम को तेंदुए से मिलवाने का वक्त आ गया है। जाओ जाकर तेंदुए का कॉस्ट्यूम पहन लो। ओ, 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 जमेल, तुम तैयार नहीं हुए? हो गया। बहुत अच्छे, चलो चलकर सालेम को डराएं। अंधेरा हो गया है, चलो घर चले दोस्तों। सालेम, तुम ठीक हो? तेंदुआ। तेंदुआ? तेंदुआ दिखा तो था। तेंदुआ? वो ठीक वही था। मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर एक वहम हुआ होगा सालेम। हाँ,
चलो सालिम को फिर से डराते हैं। मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ। उसकी शक्ल। चलो दोस्तों, इस बार हमें सालिम को एक बहुत बड़ा झटका देना चाहिए। ये देखो, वहाँ सच में एक तेंदुआ है। पिक्चर बहुत ब्लर हो गया है, ये कुछ भी हो सकता है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं बाहर नहीं निकलूंगा। जाओ और जाकर उसे फिर से डराओ। घबराओ मत सालिम, तुम जब तक यहाँ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद। हाँ, वो तेंदुआ तो नहीं है। वो एक तेंदुआ ही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और हमें पता लगाना ही होगा। हाँ, हम इस पहेली को भी सुलझा देंगे। कैसे? हाँ, कैसे सुलझाएंगे हम? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो सालिम, सब ठीक है ना? हाँ। दरअसल तुम बड़े डरे डरे से लग रहे हो। नहीं। अच्छा, ओह देखो झाड़ियों में क्या है। ओह माफ करना, कुछ भी नहीं है, तुम मजे करना ठीक है। इसे क्या हुआ? मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने सुना तुम लोगों ने यहाँ बड़ी बिल्ली देखी। मैं उसे जाल में फंसा कर पकड़ लूंगा। तुम लोग बहुत डर रहे हो, इसलिए मेरी मानो तो अपने अपने घरों में रहो और बाहर मत निकलो। मुझे अंदर जाना है। ये देखो सालम, ये मोशन एक्टिवेटेड नाइट विजन कैमरास है, ये हमें सब कुछ दिखा देंगे, फिर हम जान जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ये लग गया कैमरा। जल्दी करो जोमेल, उस डरपोक सालिम को डराना है। ये देखो, कैमरा एक्टिवेट हुआ है। तेंदुआ? मुझे नहीं लगता। ये क्या कर रहे हैं वहाँ? बस देखते जाओ। हाँ? नहीं, यही था तुम्हारा तेंदुआ। बेकार इंसान। यकीन नहीं होता। कहाँ देखा था तुमने तेंदुए को? शायद कोई तेंदुआ नहीं है, बस एक लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा था। तुम डरपोक मुझे ऐसे ही उल्लू बना रहे हो, बस इतना बताओ कि तुमने उसे देखा कहाँ? पर देखो शायद। मैं दिखाता हूँ। अरे वाह सालिम, तुम में अचानक हिम्मत आ गई, तुम मेरे साथ चलो। चलो, लगता है वो पार्क की तरफ जा रहे हैं। तेंदुआ वहां पर था। तुम सारे यही इंतजार करो, मैं शिकार अकेले करता हूँ। शायद, सुनो, यहाँ कोई तेंदुआ। देखो तुम लोग पीछे हट जाओ, उसे पकड़ने का काम सिर्फ मेरा है। अगर ये शिकार में उतना ही माहिर है जितना बोलने में, तो काफी मजा आ जाएगा। Mm-hmm.
असली मजा अब आएगा। वो हमारा दोस्त है। अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। इसका बदला हम जरूर लेंगे, याद रखना। छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी। भाग निकलो। रुको। वो फूल बर्बाद कर रहे हैं। हे रुको। तुमने पार्क की बर्बादी की है, इस वजह से तुम हमारे साथ चलोगे। ये कुछ ज्यादा ही मोटा है ना? हाँ, हमने जो पकड़ा था ये उससे ज्यादा मोटा है। अच्छा, तो इस वाले को ज्यादा खिलाया गया है, इसे उस अंदर वाले के साथ पटक दो। घबराओ मत, अब तुम इसके साथ बैठ सकते हो।